आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का मुख्य गेट किया बंद, ओपीडी सेवा बाधित। सिवान जिले के मैरवा रेफरल अस्पताल के मुख्य गेट को बंद कर सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने इलाज कराने जा रहे मरीजों को अंदर नहीं जाने दिया, जिससे ओपीडी सेवा बाधित रहा। वहीं गर्भवती महिलाएं घंटों इलाज के लिए अस्पताल में रुकी रही, लेकिन उसके बाद भी उन्हें चिकित्सक से मिलने नहीं दिया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जाने वाले सभी रास्ते को बंद कर दिया था और अपनी मांगों को लेकर आवाजें बुलंद कर रही थी। नौतन के खलवा गांव से आए संजीव चौहान ने बताया कि मेरी पत्नी को पेट में तेज दर्द था, तो दरौली के पूनक से विकास यादव अपने बच्ची को सुई दिलाने के लिए आए थे। वहीं गुठनी के टेकनिया गांव से दयाशंकर प्रसाद इलाज कराने आए थे। सभी को अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया गया। आशा कार्यकर्ताओं के अनिश्चितकालीन धरना पर जाने से सरकार के महत्वाकांक्षी योजना तो प्रभावित हो रही है, इसके साथ साथ मरीजों को इलाज कराने में काफी परेशानी हो रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलते रहेगा। किस लिए पाई हुए अस्पताल पे? अस्पताल पे हम आए हुए इलाज कराने के लिए। क्या हुआ है? पेट में दौरत है, मेरे औरत को। आपको है? नहीं नहीं, मेरे औरत आपके वाइफ को। हाँ वाइफ। कहाँ से पाए हुए हैं? हलवा से आए। तो आपको क्यों यहाँ पे गेट पर रुका गया है? ये लोग रोक रहे हैं कि अपना सैलरी बढ़ाने के लिए। अच्छा, कौन ये आशा कार्यकर्ता लोग? आशा कार्यकर्ता। क्या क्या बोल के आपको गेट पर रुका गया है? रुका गया है कि हम लोग का सैलरी कम है और बढ़ाना है। अच्छा, तो आपको अंदर नहीं जाना दिया जा रहा है? नहीं जाना जा रहा है। कितने देर से यहाँ पे खड़े हैं आप? दो घंटे से। दो घंटे से खड़े हैं लेकिन अभी तक आपको अंदर नहीं जाना दिया गया है। अपना नाम बताइए। नाम मेरा संजीव कुमार चौहान है। ये बताइए, आपको अस्पताल पे जो है इलाज कराने के लिए अंदर नहीं जाना दिया जा रहा है, क्या वजह है? अब तो हम नहीं जानते हैं तो क्या बताएंगे क्या वजह है। तो कौन लोग रोक रहा है यहाँ गेट पे? और ये लोग आशा वाले होंगे। आशा वाले होंगे? क्या ये लोग की जो मांगे है वो जायज है? अभी तो हम नहीं बताएंगे क्या मांगे है क्या नहीं है, जब जानकारी होती तो ना हम बताते। यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं अस्पताल पे आप? हम अपने को दिखाने के लिए आए हैं। क्या हुआ है आपको? हमको पेट में गैस बन रहा है। तब गेट पर क्यों खड़े हैं? हम जाने के लिए इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं जाने दे रहा है। नहीं जाने दे रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हम टेकनिया से आए हुए हैं। अपना नाम बताइए। जयशंकर जी। ये बताइए, आप अस्पताल पर किस लिए आए हुए हैं? बच्ची को इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो क्यों आपको अंदर नहीं जाना दिया जा रहा है? आशा लोग हड़ताल पर बैठी है। क्या इन लोगों की मांगे? जो इन लोगों की मांगे आपसे, आप इन लोगों की मांगे से खुश हैं? नहीं, इन लोग मांगे अभी जायज है लेकिन इन लोग का वेतन का समस्या है जो कि बहुत कम है। तो आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं अभी गेट पर? आशा लोग नहीं जाने दे रहे हैं अंदर। आपको जाने नहीं दे रहा? कहाँ से पाए हुए हैं? पूनक बुजुर्ग। अपना नाम बताइए। विकास यादव। मैरवा रेफरल अस्पताल परिसर में जो आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठी है, किसी भी मरीज को गेट से अंदर अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दे रही हैं। आपके द्वारा वहां पर जाकर के गेट पर क्या कुछ समझाया गया आशा कार्यकर्ताओं को? जैसे हम लोग यहां पिछले 13 तारीख से इन लोग का हड़ताल राज्य स्तर पर 12 तारीख से सुनने में आ रहा था, लेकिन हमारे यहाँ 13 तारीख से ये लोग हड़ताल पर है। तो शुरू से ही हम लोग इस बात को रखे हैं कि देखिए, इमरजेंसी केस जो है, डिलीवरी का जो पेशेंट गर्भवती महिला है, उनको अस्पताल में आने से न रोका जाए। सूचना मिला था कि एक आध लोग रोका गया, तो फिर हम लोग जाके वहाँ पे बीच बचाव किए और वो प्रसव हमारे अस्पताल में हुआ। जब आशा का हड़ताल नहीं था तब तक हमारे अस्पताल का रेशियो 4 से ऊपर था कि एक दिन में 4 से 5 डिलीवरी होता था, अभी 2 से 3 हो गया है। तो कुछ तो प्रभावित हुआ है, तो उसी का आज बातचीत चल रहा था। कल हम लोग का जिला से VC भी हुआ था कि इमरजेंसी पेशेंट और OPD या जो गर्भवती महिला हैं उनको ना रोका जाए। उसी संबंध में आज आशा से मेरी MYC मैडम, मैरवा MYC मैडम और मेरे द्वारा आशा से वार्ता किया गया, जिसमें आशा का सहमति मिला कि ठीक है, हम लोग गर्भवती महिला को और इमरजेंसी पेशेंट को नहीं रोकेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार गिरी, BCM मैरवा। ये बताइए, आप लोग मरीजों को अंदर क्यों नहीं घुसने दे रहे हैं? सभी आशा कार्यकर्ता दे रहे हैं कि जो हम लोग को मतलब दिन भर काम करते हैं और हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि मिलता है वो भी हमारे जरूरत के हिसाब से नहीं मिलता है, ठीक ना? तो हम लोग जब ये रोकेंगे मरीजों को अंदर जाना, OPD रोकेंगे, तो ये लोग जिला में जाएंगे, जिला से खबर जाएगी स्वास्थ्य मंत्री के पास, तो हम लोग के बारे में कुछ सोचेंगे। अगर मान लीजिए किसी को ज्यादा तबियत खराब हो गया, उसको जाने देंगे, उसको आप लोग जाने दीजिएगा। हाँ, किन किन तरह के मरीज आप लोग नहीं जाने दे रहा? देखिए, जैसे कोई है नॉर्मल जिसको बुखार उखार है उसको नहीं जाने देंगे,
जो हल्का फुल्का कोई मतलब जैसे हमेशा सिला चल रहा है उस तरह के मरीजों को नहीं जाने देंगे, लेकिन किसी को कटा है चाहे कहीं मतलब चोट वोट लगा है या कोई गर्भवती महिला है जिसका सीरियस है लास्ट महीना चल रहा है उसको जाने देंगे। कब तक आप लोग का हड़ताल जारी रहेगा? लगता है आज सातवां दिन आप लोग का हड़ताल का आज अनिश्चित काल तक रहेगा। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम लोग भी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। कल जो आप लोग कैसा संघ के जो जिला अध्यक्ष है मालती देवी वो भी यहाँ पर आई हुई थी, उन लोगों से आपकी क्या वार्तालाप हुई? देखिए उन लोगों से उनसे क्या बात करना है, ठीक ना, ये हमारी अपनी लड़ाई है, ठीक ना, इसके लिए हम खुद लड़ेंगे। हाँ वो आती हैं, उनको हमारे से सहानुभूति है, हमारे बीच आती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, जाती हैं। आपके संघ के वो जिला अध्यक्ष हैं? ठीक है, जिला अध्यक्ष हैं तो उनका हम लोग सहयोग ले रहे हैं, वो हम लोग का सहयोग कर रही हैं, लेकिन ये हमारी अपनी लड़ाई है, इसके लिए हम लोग खुद लड़ेंगे। उनका कहना है कि सरकार जब तक आशा करे करता हो कि मांग पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग इस तरह हड़ताल जारी रखेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़क जाम करके चक्का जाम करेंगे। हम लोग सीमान जाएंगे, सीएस के पास जाएंगे, उससे काम नहीं बनेगा पटना जाएंगे, पटना से काम नहीं बनेगा तो हम लोग सीधे मोदी सरकार को भी घेरेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बबीता यादव, आशा कार्यकर्ता। आशा कार्यकर्ता।